जय श्री राम मित्रों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में एक बार पुनः श्री राम लला अपने जन्मभूमि पर विराजित होंगे। आज से 550 साल लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने जन्मभूमि पर विराजित होंगे। तो इस दिन आप लोग दीपोत्सव अपने घरों में जरूर मनाएं, क्योंकि भगवान श्री राम सतयुग में जब 14 वर्षों का वनवास काट कर आए तो पूरी अयोध्या दिवाली मनाई थी, और आज 550 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारतीय संविधान में पहली बार हुआ है कि किसी को अपने घर वापसी में इतना लंबा वक्त लगा है। तो भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि में जब विराजित हो रहे हैं, तो इस दिन आप अपने घरों में दीपोत्सव जरूर मनाएं, एक दीप जलाएं, एक से लेकर के 11 20 जितनी आपकी खुशियां हो उतनी जलाएं। अगर आप 3 दीप जलाते हैं, घी का दीप एक अलग, तिल का दीप अलग और सरसों का तेल का दीप अलग जलाते हैं, तो 3 प्रकार की जब अगर आप दीप जलाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि दीप जो है आरोग्यता के प्रतीक है, उजाला के प्रतीक है और स्वच्छता के प्रतीक है। तो दीप में अलग एनर्जी होती है। पहले के लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वह दीपों का प्रयोग करते थे, दीपक का प्रयोग करते थे, जो आकाश अग्नि से प्रज्वलित रोशनी होती थी उसका प्रयोग करते थे। परंतु आज हम लोग बिजली के कर रहे हैं लोग प्रयोग, इसलिए अधिक बीमारी होता है। तो एक दिन हम लोग भगवान श्री राम के साथ अपने आपके घर में जो देवता घर है वहाँ पर आप दीप 3 प्रकार के दीप जलाएं, घी का अलग, तिल का अलग और सरसों तेल का अलग, और संभव ना हो तो एक दीप जरूर जलाइए और भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद यह हम सभी भारतीय संस्कृति के संस्कृति मानने वाले, सनातन संस्कृति मानने वाले के गौरव की बात है। उस समय जब भगवान आए थे तो सिर्फ अयोध्या नगरी में ही दीपोत्सव मनाया गया था, परंतु आज पूरे देश दुनिया में दीपोत्सव मनाई जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड और बहुत सारे देश हैं जहां पर उस दिन छुट्टियां घोषित सरकार कर रही हैं अपने स्तर से। तो आप सभी एक बार दीपोत्सव जरूर मनाएं और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करें पूरे मन से, और 22 जनवरी को अपने जीवन को राममय बनाएं और भगवान श्री राम से जुड़े रहें, क्योंकि भारतीय संस्कृति के रीढ़ के हड्डी हैं भगवान श्री राम, और जो राम को अपना लेता है वो सभी कामों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री राम जरूर बोलिए। जय श्री राम।